एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ पिताजी और दो बच्चियाँ। ये परिवार बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छा होता है और ये दोनों बच्चियाँ बहुत ही होशियार रहती है। चलो जी खाना खा लो। चलो बच्चों तुम दोनों भी जल्दी से खाना खा लो और स्कूल के लिए निकलो। आज स्कूल में जल्दी बुलाया है। माँ आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है। क्या हम दोनों को यही खाना दोगी आज टिफिन में? और हाँ माँ हमारी अभी एग्जाम शुरू होने वाली है तो शायद थोड़ी देर हो सकती है स्कूल से आने में। ठीक है बेटा, पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना घर पर आने के लिए। शाम होने से पहले वापस लौट आना, नहीं तो पापा आ जाएंगे लेने के लिए। और हाँ दोनों टाइम से खाना खा लेना। दोनों ही बच्चियाँ अपने अपने ड्रेस बदल लेते हैं और अपना स्कूल का बैग लेकर निकल पड़ते हैं अपने स्कूल की ओर। अनिता दीदी, पढ़ाई कैसे चल रही है? अब एग्जाम आ गए हैं, हमें अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हाँ दीदी, अगर पढ़ाई में किसी भी चीज की जरूरत आ रही होगी तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे पता है तुम कुछ सब्जेक्ट में कमजोर हो। और हाँ स्कूल से निकलोगी तो आवाज दे देना, हम साथ में जाएंगे। तुम्हें किसने बताया मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ? तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारी पढ़ाई करो, मुझे मत बताओ। और हाँ आवाज दे दूंगी, निकलूंगी तो। अभी चलो, हमें देर हो रही है। अब एग्जाम शुरू हो गई है और दोनों ही बच्चियाँ खूब पढ़ाई करती है। और जैसे संगीता ने अनिता को बताया था कि कुछ मदद लगी तो बताना, पर अनिता संगीता को कुछ नहीं पूछती और अपनी अपनी पढ़ाई करती है। और दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और शाम को घर पर आके फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। अब बस कल का एक आखिरी दिन, फिर जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। आज स्कूल का रिजल्ट आया और संगीता अच्छे नंबरों से पास हुई, वही अनिता फेल हो गई। बेचारी रोते रोते घर जा रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि मैंने और थोड़ी पढ़ाई की होती या फिर संगीता से कुछ पूछ लिया होता तो आज मैं फेल नहीं हुई होती। अनिता और संगीता घर आते हैं। अनिता बहुत रो रही होती है। संगीता और अनिता के माँ पिताजी कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी उनको अनिता के रोने की आवाज आती है। अनिता बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज तो रिजल्ट आने वाला था ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? संगीता तुम ही बोलो, क्या हुआ? अनिता तो नहीं बोल रही। माँ पिताजी आज रिजल्ट आया है, उसमें मैं पास और अनिता फेल हो गई है, इसलिए इतनी रो रही है। संगीता बोल ही रही थी तुझे कि कुछ मदद चाहिए होगी तो मांग लेना, अगर संगीता की मदद ले लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अनिता तुम्हें पता था कि तुम कुछ सब्जेक्ट में ठीक नहीं हो, फिर क्यों नहीं मदद ली संगीता की? फेल हो गई अब क्या करोगी? छोड़ो जाने दो, उसको अपने गलती का एहसास है इसलिए तो रो रही है ना, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। अनिता बेटा आज ही से जो मदद तुम्हें चाहिए वो संगीता से मांग लेना और आज ही से फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी से कभी भी कुछ सीखने के लिए झिकझिकाए मत। और बच्चों शर्माना छोड़ के सबसे मदद लो और सबकी मदद करो। और आज की कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।